पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाए। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखी। कुंडली वाले तेरा मुंह काला, जिसकी कुंडली में खुद इतने छेद हो वो दूसरे की कुंडली के बारे में क्या ही बात करेगा। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। बिहार की राजनीति कब किस मुद्दे को लेकर शुरू कर दी जाए ये कोई नहीं समझ पाता। कुछ समय पहले आरक्षण को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हुई, उसके बाद पुल मामले को लेकर राजनीति शुरू हुई और अब कुंडली को लेकर राजनीति शुरू होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के कुंडली को लेकर बीते दिन बयान दिया था। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के कुंडली को लेकर बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के कुंडली में सीएम बनने का योग्य नहीं है। तेजस्वी यादव कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो सीएम नहीं बन सकते हैं। अब इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव की बहन और राजद सुप्रीमो लाल प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके जमकर ललन सिंह को सुनाया है। सबसे पहले हम आपको ललन सिंह के उस बयान को सुनाते हैं। आप पहले वो बयान सुनिए कि क्या कुछ तेजस्वी यादव के कुंडली को लेकर ललन सिंह बोलते हुए नजर आए। यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर हमारे सामने रहेंगे तो राजद और मजबूत होगी। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाए। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखी। आपने सुना तेजस्वी यादव की कुंडली को लेकर ललन सिंह ने क्या कुछ बोला है। दरअसल रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहा है कि काली कुंडली वाले का मुंह काला, हंसी आती है वैसे लोगों को दूसरे की कुंडली में क्या लिखा है ये बताते देखकर, जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरह के छेद ही छेद हैं। और अगर ऐसी ही कुंडली खंगालने के पश्चात जो सामने आता है उसे उजागर कर दिया जाए तो काली कुंडली वाले का मुंह बिना किसी और के द्वारा काला किया ही स्वत ही काला हो जाए। वैसे भी पेट में आंत में दांत गिनने वाले लोग कुंडली देखते देखते हास्यास्पद हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोहिणी आचार्य ने किस तरीके से ललन सिंह के कुंडली वाले बयान को लेकर उन्हें घेरा है और उनसे ही कई तरह के सवाल करते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की कुंडली को लेकर कल बयान दिया था। तेजस्वी यादव को लेकर ललन सिंह ने कहा था कि वो कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन वो सीएम नहीं बन सकते क्योंकि उनकी कुंडली के योग में ही सीएम बनना नहीं है। ललन सिंह तेजस्वी यादव को लेकर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ललन सिंह आए दिन तेजस्वी यादव पर बयान देते हुए भी नजर आते हैं। मामला ईडी सीबीआई को लेकर हो, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर हो या फिर चारा घोटाले मामले को लेकर हो, ललन सिंह लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लगातार हमला करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में बीते दिन उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया और अब उस बयान पर रोहिणी आचार्य काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रही हैं और बकायदा ट्वीट करके ललन सिंह को घेरा है और उनकी ही कुंडली की बात कर दी है। रोहिणी आचार्य ने कह दिया है कि वैसे लोग कुंडली की बात क्या कर रहे हैं जिनकी कुंडली में खुद ही इतने छेद हैं। अगर उनके छेदों को गिना जाए तो बिना उनके मुंह काले किए हुए उनके मुंह काले हो जाएंगे। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि अगर उनकी कुंडली खंगाली जाएगी तो जब देखा जाएगा तो उसके बाद साफ साफ दिख जाएगा कि किसकी कुंडली में क्या है और किस तरीके से है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।